तो दोस्तों, मैं आज को आपको बताने वाला हूँ कि सूरज का की किरणें कितने एंगल पे आपको मिल रही हैं, या सूरज हमारे हमसे क्षैतिज से पृथ्वी से कितने एंगल पे है, वो कैसे निकालते हैं। तो देखिए, ये हमारी जो है ना छोटी सी लकड़ी है, ये इसका ये है 21 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये सूरज के सामने रख देंगे और देखेंगे इसकी छाया कहाँ पड़ रही है। जहाँ इसकी छाया पड़ रही होगी वहाँ से हम लोग निशान लगा देंगे, ठीक है। निशान लगा दिया हम लोगों ने। अब इसकी हमने लंबाई माप लेनी है। तो ये हमारी लेंथ है, लेंथ हमारी कितनी आ रही है, ये 27 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं, तब तक वीडियो को पॉज कर दीजिए आप। तो दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा सूरज है, ये किरण आ रही है, और ये हमारी जो लकड़ी है इसकी लंबाई थी 21 सेंटीमीटर, और ये छाया जो पड़ रही है इसकी लेंथ थी 27 सेंटीमीटर। दोस्तों, छाया कहाँ पड़ती है, जितना हम प्रकाश ब्लॉक कर देते हैं उतने ही तो इस पर छाया पड़ती है। इसे मान लीजिए इसके अब जो किरणें नेक्स्ट आएगी वो आगे पहुँचेगी ना, तो यहाँ पर रोशनी रहेगी, जहाँ तक ब्लॉक हो रही है वहाँ तक छाया रहती है। तो हमें क्या करना है, हमें ये एंगल, इसे ही कहते हैं अल्टीट्यूड एंगल या फिर सन एलिवेशन एंगल, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए हमको ये पता है और ये है, ये हो गया हाइट, ये हो गया बेस, तो आपने पढ़ा है ना। तो ये टेन थीटा हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, और लंब बटे बेस आधार। तो हाइट हमारी है 21 और हमारी बेस से 27, ये ठीक है। अब हम निकाल लेंगे थीटा जो हो जाएगा टेन इनवर्स 21/27, ठीक है दोस्तों। तो अभी ये पॉज कर देंगे। तो ये आ गया टेन इनवर्स 21/27, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 0.777, 7/7 फिर 8 है, तो एंगल आ गया हमारा 37.87, ठीक है। इसका मतलब जो है, जो सन की जो रेज आ रही हैं वो इस समय अर्थ पे जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पे करीब करीब 38 डिग्री का कोण बना रही है। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर आपको निकालना हो कि आपका इस समय सूरज पैनल को किस एंगल पे रखा जाए कि हमें अच्छी एनर्जी मिले, तो देखिए सन की किरणें जब 90 बनाती हैं सोलर पैनल पे तो वो काफ़ी अच्छा आउटपुट देता है। तो इस समय अगर आप 54 डिग्री पर अपना पैनल रखेंगे, 52 डिग्री पे 50 के आसपास, तो आपको अच्छी एनर्जी रिसीव होगी। ये उसके लिए है जो मतलब जिसका टिल्ट एंगल जो आप चेंज कर सकते हैं उसके लिए, फिक्स टिल्ट वालों के लिए जो होता है, जो हमेशा उसे फिक्स रखते हैं कि एंगल पे, वहाँ के लिए लैटिट्यूड के बराबर या अक्षांश के बराबर रखते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है कि जिसको आप जो है इसका एंगल आप चेंज कर सकते हैं, तो आप उसको इस समय करिए आपको 52 डिग्री 53 डिग्री पे करेंगे, 50 पे करेंगे तो अच्छा रहेगा।